सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब ठीक होगे और मस्त होगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दादर। मुझे थोड़ा सा वहाँ पे काम है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मोटर ब्लॉगिंग दादर के ऊपर बना दे, क्योंकि मैंने जल्दी दादर के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। तो दादर जाने का मोटिव यही है, थोड़ा सा मुझे वहाँ से सामान लेना है, तो सामान लेके फटाफट हम वहाँ से निकलेंगे। तो फिलहाल हूँ मैं अभी माहिम स्टेशन की तरफ, जस्ट मेरे माहिम स्टेशन पीछे की तरफ गया है। तो आज हम जा रहे हैं दादर, दादर स्टेशन जाना मुझे, तो फटाफट चलते और रिटर्न आना भी वहाँ से। तो आज मैं पेट्रोल नहीं भरा हुआ, क्योंकि मेरी गाड़ी में आज पेट्रोल है। मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले मैं वीडियो अपना पेट्रोल डाल चुका था, ताकि मैं बार बार लोग पेट्रोल पम्प नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि अभी मैं पहुँच चुका हूँ, अभी माहिम क्रॉस होने मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो अभी हम माहिम के बाद जो भी आएगा, मतलब क्या आएगा मुझे पता नहीं, यहाँ मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ। आई थिंक डायरेक्ट दादर ही आएगा इसके बाद। तो जैसे कि आप सभी लोग सब ठीक होगे और मस्त होगे, सब लाइफ में अच्छा चल रहा होगा, होप करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, दादर में एक फुल मार्केट है। फुल मतलब फ्लावर मार्केट है, बहुत सारी मार्केट है वहाँ पे, कपड़े की, शूज़ की। अगर मैं आप सभी को एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सभी को शूज़ वगैरह लेना हो तो आप लोग दादर मार्केट ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ पर सस्ते शूज़ मिलते हैं। जैसे आप ब्रांडेड शूज़ भी लेना तो आप लोग ब्रांडेड शूज़ के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कौन सा स्टेशन गया देखा ही नहीं मैंने, वो आप लोगों को नाम बता देता था। ब्रांडेड शूज़ वगैरह वहाँ पर आप लोग एकदम सस्ते से सस्ते है। उसका स्टार्टिंग रेट सुनोगे ना, स्टार्टिंग रेट जो रहता है ना, 500, 400, 300, ऐसे टाइप के, मतलब वहाँ पे ऐसे कॉस्ट के वहाँ पे शूज़ वगैरह मिलते हैं। भाई यहाँ पे रोड तो डेंजरस है, खड्डा खुड्डी बहुत आ रहा है यहाँ पे। दादर आ जाएगा कुछ ही देर में। अरे माँ कसम, क्या खड्डा खुड्डी है भाई, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से जा पहुँच ही नहीं पाएगी वहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लो कर दो गाड़ी यार, वो ज़्यादा भगा रहा था। पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है, क्यों? पेट्रोल तो भराया था यार, बहुत खाचा मारते यार लोग पेट्रोल में, ब्लिंक कर रहा है पेट्रोल, समझ में नहीं आ रहा क्यों। मुझे लगता है हमने इतना जल्दी जो निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बंद भी हो गई रहेगी सारी, कुछ चालू नहीं मिलने वाली है मुझे लग रहा है। बस मेरा काम हो जाए तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम मारेंगे नीचे, क्योंकि नीचे मार्केट लगती है, तो चलो नीचे मार दे। अरे ये क्या रास्ता बंद है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, रास्ता खुला रहना चाहिए। देखो यहाँ पे भाजी मार्केट लगी हुई है, स्टेशन की तरफ भाजी मार्केट रहती है, पूरी पूरी की पूरी भाजी। अगर आप लोग यहाँ पे दिन में आओगे ना भाई, इतना गर्दी रहता है, आप लोग देखोगे तो बोलोगे। देखो ये सामने दादर स्टेशन है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पूरा दादर में भाजी मार्केट, पूरा भाजी जी पड़ा हुआ है, सब वेस्टर्न भाजी है, गोभी वगैरह पड़ा हुआ नीचे। यहाँ पर सूस की मार्केट लगती है, अभी फिलहाल बंद हो गया है, अपोजिट रोड पे जाना था। तो हम यहाँ से जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं भाई। तो हमें सबवे क्रॉस करना था, हमें आ रहा काम वो साइड में, तो पहले हम अपना काम निपटा देते, फिर वीडियो तो एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। देख सकते हो गाइस, दादर मार्केट अभी भी रात में, मतलब कुछ चीज़ें, फ्लावर मार्केट देखो आप लोग यहाँ पे, मतलब कुछ चीज़ें मिल रही है, कुछ चीज़ें सब सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो बंद हो चुकी है अभी, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का राउंड अप काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप लोग ने देखे होंगे पुलिस वाला गया है। तो फिलहाल मैं यहाँ से अपना काम थोड़ा निपटा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ रिटर्न। सो गाइस, बेसिकली मेरा काम वगैरह हो गया, तो अभी हम जा रहे घर की तरफ। तो फिलहाल मैं ये बताने का, मेरा आज का मोटिव ये था कि मैं आप सभी को दादर बता सकूँ। दादर में बहुत सारे लोगों को, सबको पता तो होगा ऑलमोस्ट, पर मैं ये बता रहा था
कि रात में मत जाना भाई, रात में बंद हो जाता दादर। तो सेकंड ये भी बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी आ रहे हो या कपड़े वगैरह खरीद सॉरी शूज़ वगैरह ख़रीदना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, वो भी सस्ते से सस्ता मिलेगी। बस बार्गेनिंग करने वाला रहना चाहिए। बस जैसे लिंकिंग रोड है ना, वैसे दादर भी है, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह की दुकान लगती है। पर 10 बजे के बाद हो गए तो सारी दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले का राउंड अप वगैरह रहता है, तो उस वजह से वो लोग बंद कर देते हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब दादर भी आप लोग आ सकते हो घूमने फिरने। अगर आप लोगों को थिएटर वगैरह जाना है, यहाँ पे थिएटर वगैरह भी है, अच्छी मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो फिलहाल अभी हम कहाँ है नहीं पता, कौन सा तो बीच में स्टेशन गया था, स्टॉप गया था, मुझे सच में नहीं आइडिया, क्योंकि मैं इस साइड कम घूमता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बता दो मुझे कि कौन सा वो लो स्टेशन था अभी बीच में, दादर से पहला, दादर के बाद, सॉरी दादर से पहला कौन सा स्टेशन आता है। जैसे माहिम गया, माहिम से, माहिम के बाद क्या आता है, वो बैंड्रा वाली लाइन में मत जाना, माहिम के बाद वो साइड में बैंड्रा आता है, पर ये साइड में क्या आता है वो मेरे को आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़। तो फिलहाल मैं हूँ अभी, कौन सा रोड है ये, ये रोड कौन सा है, ये SV रोड तो वो तरफ है, ये रोड नहीं समझ में आ रहा मुझे, SV रोड नहीं, वो लिंक रोड है, लिंक रोड, ये शायद से पता नहीं कौन सा रोड है। जो भी है देखो, ये स्टेशन की बात कर रहा था मैं, कौन सा स्टेशन है ज़रा कमेंट करके बताना मुझे। कोई नहीं, चलते हैं फिलहाल अभी हम, तो हम सोच रहे थे कि जब घर ही जा रहे थे थोड़ा सा माहिम दरगाह होते हुए जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आना होता हमारा, जल्दी हम यहाँ पे नहीं आते। तो मैं यहाँ से ले लूँगा लेफ्ट, माहिम दरगाह मतलब देख ले एक बार तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यही सोच के हम जा रहे हैं वहाँ से, के अपोजिट रोड पे हम माहिम दरगाह के। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लेफ्ट लेफ्ट साइड में मेरे माहिम दरगाह है, ये देखो ये। अरे वहाँ मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, गाड़ी राइट में जा रही ली। तो गाइस जैसे कि हम माहिम दरगाह भी पहुँच चुके हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, हमारा काम भी हो गया है और माहिम दरगाह भी देख ली है, और अभी हम घर आ रहे हैं। पेट्रोल भराया था यार, फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया, समझ में नहीं आता मेरे को, एवरेज लगता बहुत, उस दिन वीडियो बनाया ना एवरेज के ऊपर, तो लग रहा है नज़र लग गई है एवरेज के ऊपर। इलेक्ट्रिक बाइक देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक बाइक, इसमें ना भाई सही में एकदम ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है, इंजन उसमें इंजन है ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आएगी यार, क्या यार, थोड़ी सेंस वाली बात करो। सो गाइस अभी फ़िलहाल हूँ मैं माहिम अपोजिट रोड, माहिम के स्टेशन की तरफ। तो अभी हम जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो सोचा कि दादर से थोड़ा काम भी था मुझे। क्या सीन है यार, लेना फटाफट ले भाई, खुद भी नहीं जा रहा दूसरे को भी नहीं जाने दे रहा, अजीब है यार। तो ये हफ्ते मुझे ना मेरी बाइक का काम करवाना है, जैसे सर्विसिंग कराना है, मिरर वगैरह टाइट कराना है, ये जो खड़कुड़ खड़कुड़ आवाज़ आ रही है वो सही कराना है, तो सारी चीज़ें मतलब ये भी कराना है मुझे। तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम फटाफट अपना काम करवा लेंगे, ताकि क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चलती है आजकल, तो सारी चीज़ें मतलब खड़कुड़ खड़कुड़ आवाज़ आए तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो देखते हैं कब टाइम मिलता है, हम फटाफट उसका काम भी करवा लेंगे और बहुत जल्दी हम इसे बेच के कोई अच्छी बाइक लेंगे, ताकि मैं मोटो ब्लॉगिंग करूँ तो सर उठा के करूँ, ना कि सर झुका के। तो गाइस होप करता हूँ आप सब ठीक होगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून। बहुत ही जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ और एक एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट के साथ मिलेंगे, बहुत जल्दी, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।